हेलो दोस्त, हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी लेवल वन का दो अपडेट, थर्ड डीवी शेड्यूल गुवाहाटी एनएफआर का आ गया। हालांकि कैंडिडेट की संख्या कम है, 24 के आसपास है। वैसे ही फिफ्थ प्रोविजनल पैनल ईसीआर हाजीपुर का ही 32 कैंडिडेट का आया है। छोटा अपडेट है लेकिन बहुत ज़रूरी है। एक एक कैंडिडेट की नौकरी जो पीटी क्वालिफाई हैं और आगे बढ़े हैं प्रोसेस करके सारा, उनको लेना चाहिए आरआरसी का। और अभी भी अक्टूबर नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा, अक्टूबर तक, तब तक तो अभी लगता है कई सारे कैंडिडेट के लिए उम्मीद बनी रहनी चाहिए। तो चलिए, अभी कुछ लोगों का था कि गुवाहाटी में और आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। बस डिपेंड करेगा कि कितना अप्रूवल होता है, उस पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले पटना वाला भी देखिएगा, फिर प्रोविजनल पैनल है। हालांकि इस पैनल में आपको केवल नोटिस दिखेगा और नोटिस के अलावा आपको लॉगिन करके चेक करना पड़ेगा कि आपका पैनल में कहाँ कौन सा पोस्ट मिला है। तो ये जारी हुआ है 5/2 के अपडेट में। तो ये आप देखिएगा, 1/19 और टोटल 32 आपका पैनल उम्मीदवार को लॉगिन करने के लिए, अपना यूनिट देखने के लिए वेबसाइट पे जाना होगा। तो यहाँ पे अगर देखते हैं वेबसाइट पे, तो यहाँ से अगर यहाँ से नोटिस वाला बोर्ड में जाइएगा, यहाँ होम पैनल में जाइएगा, तो होम में यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आता है। एक मिनट, यहाँ पे फिफ्थ ओरिजिनल पैनल अपना देख सकते हैं यहाँ से डिटेल। तो यहाँ लॉगिन कीजिएगा तो अपना डिटेल डाल के अपने पैनल पार्ट पैनल रिजल्ट वगैरह आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा अपडेट जो एनएफआर का था, एनएफआर में आप जाएंगे वेबसाइट पे, तो यहाँ पे देखिए ये छोटा सा नोटिस थर्ड डीवी के रूप में है, जो बहुत लंबी इंतज़ार के बाद आया है 24 लोगों का। तो चलिए, इतने लोगों को बधाई, बाकी और वेट करते हैं कि कितना लोगों का और आएगा, अप्रूवल पे होगा। हालांकि यहाँ पे नोटिस को थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी नोटिस में रिप्लेसमेंट सब यूज नहीं किया है। हालांकि ये 24 कैंडिडेट है, इसलिए अंदाज़ा भी नहीं लगता कि ये छोड़े हुए कैंडिडेट का है कि या ओरिजिनल पोस्ट से है, लेकिन अभी भी आएगा। तो यहाँ पे अगर टोटल देखेंगे तो ओबीसी के नीचे यहाँ पे ओबीसी के यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं, एसी के 3, इधर एसी के 4 कैंडिडेट हो गए, यहाँ पे आपका एसटी के 4 हैं, यहाँ पे 92 से लेके 94 4 कैंडिडेट, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कैंडिडेट एसी से हैं और 2 कैंडिडेट यूआर से हैं। यानी यूआर से 2, एसी से 14 और एसटी से 4, ओबीसी से 3 कैंडिडेट हैं, जो पूरे पूरे इस 18, 2, 20, 3, 24 एक कैंडिडेट कहाँ मिस हो रहे हैं, एक कहीं गिनती में काउंटिंग में मिस है। तो 14 नहीं, ये एससी वाला 15 होगा, क्योंकि ये दो तो दो ही है, यहाँ से आपका 1, 2, 3, 4 ही है और यहाँ से 3 ही है, तो ये 15 कैंडिडेट होंगे। ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट एक भी नहीं है, 0 है, इसमें नहीं लिया है। तो यहाँ पे इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल भी दे दिया है, इसके बाद बोला आगे नहीं करेंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल इनका 26 फरवरी को होगा एनएफआर में। तो चलिए, अभी उम्मीद करेंगे कि आगे भी फ्यूचर में आते रहे लोगों का, जितना पीटी क्वालिफाई है सबका आगे प्रोसेस बढ़ाया जाए। लेकिन जितना छोटा न्यूज है, लेकिन एक कैंडिडेट के लिए एक ही न्यूज काफ़ी होता है, 24 कैंडिडेट है, तो 24 के लिए बधाई, थैंक यू, धन्यवाद।